नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा बुलेटिन बिकाना फटाफट में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खबरों की तरफ। मल मास के खत्म होते ही शुरू हो गया है मांगलिक कार्यक्रमों का दौर। कस्बे व कस्बे के आसपास शादी का सीजन हुआ शुरू। सुनाई देने लगी है ढोल व डीजे की ध्वनि। सुस्त पड़े मार्केट में दोबारा से लौट आई है रौनक। वहीं डोंगरगढ़ में अलौकिक तरीके से चल रही है गरुड़ पुराण की कथा। रेवंत राम उपाध्याय के स्वर्गवास होने के बाद में उनके पुत्र देवीलाल व गोपाल उपाध्याय अलौकिक तरीके से पंडाल में करवा रहे हैं गरुड़ पुराण की कथा। और होमाय तुझ को करो अग्नि, ओइ रो फूल है, और अंत में मनुष्य तुझ को मोक्ष मिल जावे, ओ मेरो फल। ऐसा मधुसूदन भगवान जी का समूचा विराजे है और आपको मेरी जय जयकार। एक समय राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, हे प्रभु, आप उत्तराय सिंहपुर के वर्तमान पालिका अध्यक्ष पृथ्वीराज सोलंकी हो सकते हैं भाजपा का लोकसभा का गंगानगर से नया चेहरा। पृथ्वीराज सोलंकी के काम से जनता खासा खुश है। वहीं बेदाग छवि की और शिक्षित नेता है पृथ्वीराज सोलंकी। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बीकानेर एक्सप्रेस।